कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलवामा के काकपोरा इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से धमाका कर दिया। हालांकि धमाके में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं आतंकियों ने पुलवामा के ही पुछल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ पर हमला कर घायल कर दिया। आतंकियों ने एसपीओ आकिब बागी पर गोली चलाई जिसमें वो घायल हो गए। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, पुलवामा में दो जगह आतंकी हमला हुआ है। जी जसप्रीत, लगातार अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते कई अटैक्स हुए, रात को भी फायरिंग हुई कई पुलिस स्टेशन पे भी और कई और जगहों पे भी जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। कल भी ऐसा ही देखने को मिला, एक तो काकपोरा में जैसा आपने कहा पुलिस स्टेशन जो है वहां पे ग्रेनेड दागा गया, हालांकि कोई उसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ ही एक और जगह पे पुलवामा में ही एक एसपीओ जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर जेएंडके पुलिस का, उस पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और उसे शदीद तौर पे जख्मी किया गया, उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसपीओज पे काफ़ी जगहों पे फायरिंग की है अभी तक मिलिटेंटों ने, क्योंकि हमेशा वो ये कहते हैं कि एसपीओज नौकरी छोड़ दें। मैं बता दूं एसपीओ जो होता है स्पेशल ऑफिसर जो इसे कहते हैं, लेकिन ये एक आर्जी मुलाजिम होता है जिसे 6,000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है, लेकिन इनसे ये कहा जाता है, मिलिटेंट ने कहते हैं कि ये नौकरी छोड़ दें, और ये निशाने पे हैं। अभी तक काफ़ी सारे एसपीओज जो हैं वो मारे गए हैं या जख्मी कर दिए गए हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको निशाना बनाया जाता है और साथ ही एसपीओज खास तौर से निशाना बन रहे हैं। जी रिफत, आपका तमाम